नमस्ते दोस्तों, वन्नास के गैलरी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज थोड़ा सा मेरा गला भी खराब है, लेकिन वीडियो तो डालनी ही है। और ये मैंने 31 नवंबर को बनाया था। मुझे उस आज के दिन 4-5 केक के ऑर्डर्स थे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर 3 लेयर में कट कर लिया है। और आज का जो केक है, थैंक गॉड कि किसी ने रसमलाई फ्लेवर का ऑर्डर दिया, वरना मुझे, आपने तो देखा ही होगा कि मैं हमेशा ज़्यादा करके चॉकलेट केक ही बनाती हूँ। और जब कुछ थोड़ा सा अलग आता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। और घर के लिए हम कितना केक बनाएंगे और कितना खाएंगे ऐसा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े अलग अलग फ्लेवर के भी ऑर्डर आए, मैं सजेस्ट भी करती हूँ लोगों को, लेकिन फिर भी उन्हें रसमलाई ही चाहिए रहता है, तो या फिर चॉकलेट चाहिए रहता है। तो आज हुआ ही हो कि मुझे 3-4 केक बनाने थे, और आज के दिन 31 था दिसंबर, तो मैंने थोड़ा सा ऐड भी किया था कि मैं पेस्ट्रीज बनाने वाली हूँ जिनको चाहिए, तो थोड़े मैंने पेस्ट्रीज भी बनाए थे। और ये केक जो है रसमलाई केक था, और मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा अपने 2-4 केक्स के ऐड डाले थे, तो उनको बिल्कुल वैसा ही चाहिए था। कस्टमर की ऐसी डिमांड थी कि मुझे केक के ऊपर रसमलाई रखा हुआ दिखना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है। तो ये देखिए, अभी मैं थोड़ा सा कंजूसी कर रही हूँ, थोड़ा सा केक के अंदर कम रसमलाई डाल रही हूँ, क्योंकि केक के ऊपर मुझे ज़्यादा लगाने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़े कम रसमलाई का यूज़ करूँगी अंदर में, और बाहर से भर भर के रसमलाई डालूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिनका बर्थडे है उनको रसमलाई खाना ऊपर से बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको एक सुझाया था, अच्छा सा बहुत ही बढ़िया सा डिज़ाइन था मेरे पास, लेकिन उनको रसमलाई ज़्यादा वाला चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम कभी वैसा ऑर्डर आया तो मैं ज़रूर उस डिज़ाइन को बनाना पसंद करूँगी। मुझे बहुत इच्छा है कि मैं उस डिज़ाइन को बनाऊँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो हुआ ये हो कि ये आप पीछे में देख सकते हैं कि एक मैंने ये रेड वेलवेट केक का स्पॉन्ज बना के रखा है, और ये दोनों केक उन्हीं के थे। और इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने फॉन्डेंट का यूज़ करके केक बनाया था, तो ये वही केक है, और ये दोनों केक उन्हीं के थे। और शायद उनके हस्बैंड का बर्थडे था और एक शायद उनकी भतीजी का बर्थडे था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये हाफ के जी में पॉसिबल है क्या फॉन्डेंट वाला, तो मैंने उनको सीधा बोला कि शायद थोड़ी सी चीज़ें मुझे स्किप करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए मैंने, उन्होंने कहा ठीक है आप 1 केजी में बना दीजिए। तो ये रसमलाई केक जो है, मैं हमेशा से इसी तरीके से रसमलाई केक बनाती हूँ, और मैंने पहले भी बताया है रसमलाई केक मैं 500 में सेल करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा उसमें ड्राई फ्रूट्स मैं ऐड करती हूँ तो थोड़ा सा और मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ, पर इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए थे, मैंने इस केक का 500 ही लिया था, और जैसा उनको चाहिए था मैंने वैसा ही बना के दिया था। और मेरे कस्टमर को तो ये केक बहुत पसंद आया था। अगर आप चाहते हैं रसमलाई क्रश का यूज़ करना तो आप रसमलाई क्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो है आप 500 चार्ज मत कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा, थोड़ा क्या, काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। तो आप उसको 400 तक सेल कर सकते हैं अगर आप क्रश से बना रहे हैं। अगर उसमें आप भर भर के ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो 400 इनफ होगा। तो इस तरीके से मैं प्राइसिंग भी थोड़ी थोड़ी बताती जाऊंगी आपको, ताकि थोड़ा सा आपको भी हेल्प हो जाए जब कभी आप इस तरीके से केक बना रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और मैंने जब केक बनाने की शुरुआत की थी तो मुझे भी बहुत ऐसे सोचती थी मैं कि कितना मैं चार्ज करूं, क्या प्राइस रखूं, और मार्केट से तो मैं केक लेके आना कब का छोड़ चुकी थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं होता था कि क्या रेट मार्केट में चल रहा है। और रेट भी जो है, मैं मतलब ये पास के 2-4 शॉप्स है जहाँ थोड़े छोटे शॉप है तो वहाँ पे थोड़े कम में भी मिलता है, और थोड़ा जो अच्छे शॉप्स है, हाई फाई शॉप्स है, तो वहाँ पे थोड़े अच्छे रेट में भी मिलता है। तो आप देखिए कि आपने उसमें क्या चीज़ डाली है, मतलब क्या क्वालिटी आप यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग रखिए। दूसरों का मत सोचिए कि सामने वाला इतना सस्ता क्यों दे रहा है। अगर आपका फ्लेवर अच्छा है आप अपने रेट का चार्ज लगाइए, अच्छे से लगाइए, मीन्स आपका थोड़ा तो प्रॉफिट होना चाहिए।
और जब भी मुझे रसमलाई केक का ऑर्डर आता है तो मैं हाफ के जी रसमलाई बाहर से मंगाती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे जाने आने का भी खर्च है उसमें, और फ्रेश रसमलाई तो उसका टेस्ट ही एकदम अलग होता है। और मैंने एक रसमलाई कपकेक भी डाला है, बहुत ही अलग सा वीडियो डाला था, आप ज़रूर एक बार जाके चेक कीजिएगा मेरी वीडियोस। अगर आपको ना मिले तो मैं लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बोलेंगे तो मैं दूंगी, कमेंट करेंगे तो। बहुत ही अच्छा था वो रसमलाई, मैंने कपकेक जो बनाया था, मॉफिन्स बनाए थे, बहुत ही प्यारा, मतलब टेस्ट तो इतना अच्छा था कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं जिनको क्रीम खाना पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से फिनिशिंग दे रही हूँ, और मैंने अभी क्रीम में थोड़ा सा येलो कलर मिलाया है और उसमें थोड़ा सा रसमलाई एसेंस भी डाला है, जिससे पूरे केक में जो है रसमलाई का फ्लेवर आएगा। तो ये जो पतली सी आप शीट देख रहे हैं, OHP शीट, बहुत ही अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप क्रीम कौन सा यूज़ करती हैं, तो मैंने कई वीडियोस में दिखाए हैं कि मैं कौन सा क्रीम यूज़ करती हूँ। तो आप एक बार प्लीज़ पीछे जाकर देखिए कि मैंने कौन सा क्रीम यूज़ किया है, और आगे भी मैं वही क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और गनाश की रेसिपी भी मैंने शेयर की है, चॉकलेट ट्रफल की रेसिपी भी मैंने शेयर की है, तो आप प्लीज़ एक बार पीछे जाकर वीडियोस को देखिए। और मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि हाफ के जी के लिए कितना पन मिक्स ले, पूरा मेजरमेंट के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कब से आप मेजरमेंट लेते तो कई बार ज़्यादा कई बार कम हो जाता है, लेकिन अगर आप स्केल से वेइंग मशीन से आप मेज़र करके लेते हैं सारी चीज़ें, तो आपका जो क्वांटिटी है ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, वेट जो है परफेक्ट बनेगा। तो एक बार मेरा तरीका ज़रूर अपनाइएगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके पास इस तरीके की स्केल जो मैं यूज़ करती हूँ वेइंग मशीन, फूड मेज़र करने वाला, वो ज़रूर रखिए। क्योंकि अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, लेकिन अगर आप अगर आप सेल कर रहे हैं तो प्रॉपर मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, और कुछ हो ना हो ये ज़रूर रखो आप। तो यहाँ पर मैं थोड़े से आलमंड्स भी डाल रही हूँ, थोड़े से पिस्ता भी डाल रही हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़े से रोज़ पेटल भी डालूंगी। और तो यहाँ पर मेरा केक हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ नया करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।